राजधानी दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में हंस फाउंडेशन के सफल 10 साल पूरे होने पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस अवसर पर कार्यक्रम में हंस फाउंडेशन संस्थापक माता मंगला समेत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और महासचिव हरीश रावत ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी मौजूद रहे। बहुत अच्छा कर रहा है। 10 साल पहले हंस फाउंडेशन ने उत्तराखंड के साथ डेवलपमेंट के और सोशल वेलफेयर के एरिया में एक पार्टनरशिप शुरू की थी और वो अब हेल्थ केयर, एजुकेशन, हर क्षेत्र के अंदर परवान चढ़ी, आगे बढ़ रही है। और मैं उत्तराखंड के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपके पास एक सहारे के रूप में, मजबूत स्तंभ के रूप में हंस फाउंडेशन है। कार्यक्रम में महिला शक्ति को महत्व देते हुए 5 महिलाओं को सम्मानित किया गया। ये वो महिलाएं हैं जिनकी किस्मत और भविष्य हंस फाउंडेशन ने उजागर किया। कार्यक्रम में नृत्य और संगीत भी पेश किया गया। हंस फाउंडेशन कई साल से जरूरतमंदों की मदद करता आ रहा है, खासतौर पर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हंस फाउंडेशन ने काम किया है। कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने हंस फाउंडेशन की जमकर सराहना की और इस बात से सहमति जताई कि हर साल व्यक्ति को गरीबों के लिए आगे बढ़कर काम करना चाहिए। दी हंस फाउंडेशन के 10वें वर्षगांठ में द श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जहां पर अतिथि के तौर पे अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। आइए हम बात करते हैं अनुराग ठाकुर जी से। सर, दी हंस फाउंडेशन का 10वीं वर्षगांठ है, तो इस पे जिस तरह से माता जी ने लोगों को एक प्रेरणा दिया है काम करने का, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है हंस फाउंडेशन एक शानदार काम किया है समाज में उन वर्गों के लिए काम करने के लिए जिन्होंने, जिनके पास कोई नहीं पहुंच पाता। और स्वास्थ्य के, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया जाए और स्वरोजगार देने के लायक भी लोगों को बनाएं, तो एक बहुत बड़ा योगदान किसी स्वयंसेवी संस्था का है। और 1700 करोड़ रुपया पिछले 10 वर्षों में खर्च करना एक बहुत बड़ी बात है। 26 राज्यों में काम होना, लाखों लोगों के जीवन में सुधार लाना, एक बहुत बड़ा योगदान समाज के प्रति है, जिसके लिए माता मंगला जी और भोले जी महाराज का जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। और मुझे पूर्ण आशा है कि भविष्य में इसमें और सुधार होगा और बल मिलेगा और संस्थाएं साथ में जुड़ेंगी और समाज सुधार में बड़ा कार्य किया जाएगा। सर, 5 नारी शक्तियों को पुरस्कार दिया गया, उनकी जिस तरह से उन्होंने अपना मनोबल नहीं हारे, उन्होंने आगे बढ़ते गए, तो उस चीज़ के बारे में आप कैसे लोगों को मोटिवेट करना चाहेंगे? देखिए, जहाँ एक और कहानी थी अपंगता से लड़ते हुए अपने पाँव पर खड़ा होने की, उसको साथ दिया। एक बेटी जिसकी शायद 9वीं कक्षा में शादी हो जाती, उसको हिमालय के पर्वत पर चढ़ने के लिए भी प्रेरित किया। ऐसी महिलाएं जो शायद घर के कामकाज तक सीमित होती, उन्होंने कईयों के जीवन को भी बदला और उनके लिए रोजगार के अवसर भी बने और स्वास्थ्य की सुविधाएँ भी वहाँ पहुँचाई। एक के बाद दूसरा अनूठा प्रयास था और बड़ी बात यह है इन सब के पीछे मातृशक्ति थी, इस देश की बेटियां थी जिन्होंने अच्छा किया और बेटियों को आगे बढ़ाने का काम किया है, जिसके लिए मैं उनको धन्यवाद करती हूँ। इस हिसाब से दे अनुराग ठाकुर का कहना है कि इस देश की बेटियों को आगे बढ़ाने का मैं काम करूंगा। और वाकई में जिस तरह से इन 5 नारी शक्तियों ने अपना मनोबल कम नहीं होने दिया है, आगे बढ़ती गई हैं, वाकई में काबिले तारीफ है।
हंस फाउंडेशन के सीईओ लेफ्टिनेंट जनरल एसएस मेहता ने कार्यक्रम में आए सभी मेहमानों का आभार प्रकट किया और हंस फाउंडेशन की तरफ से जरूरतमंदों के लिए काम करने की बात कही। बेसिकली इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग जर्नी ऑफ आवर 10 इयर्स एंड वी आर नॉट ओनली वर्किंग उत्तराखंड इज वन ऑफ आवर वेरी बिगेस्ट एरिया ऑफ वर्क बट वी आर वर्किंग ऑल ओवर इंडिया। वी आर वर्किंग इन 26 स्टेट्स नाउ। We have our own hospitals, we have our medical mobile vans running, we are supporting a lot of schools, we are building schools, now we are going to build a university in Nagaland and we are starting with a very very big project in Nagaland that is a livelihood project over about more than 800 acres of land. इस कार्यक्रम में तमाम मेहमान आए और सभी ने हंस फाउंडेशन की जमकर तारीफ की और हंस फाउंडेशन को आगे और ऐसे काम करने की दुआएं दी। दिल्ली से शक्ति कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन।